अरे कर कर जल्दी अहमद वानी साहब जो कि एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे, मसरूर अहमद वानी साहब खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाले बहुत इंसाफ पसंद कश्मीरी नौजवान थे। बड़ी बेरहमी के साथ इंसानियत का कत्ल किया गया और मसरूर वानी साहब को निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। अमन के जो दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो यहां नहीं चाहते कि अमन और शांति बहाली हो, ये उन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है। मसरूर वानी साहब जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी ईमानदारी से काम करने के लिए जाने जाते थे और वहीं आम लोगों के मददगार के नाते से जाने जाते थे, जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया है, ये सिर्फ मसरूर वानी साहब का कत्ल नहीं हुआ है, ये कश्मीरियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है, ये अमन का कत्ल करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने भी ये जुल्म, ये सितम, ये तशद्दुद किया है, जो गुनाह उन्होंने किया है, इस गुनाह की बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो आज भी नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली हो। कुछ लोग हैं यहां जो चाहते हैं कि यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर सुनाई दे। ये ठीक नहीं है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियां ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये बेगुनाह लोगों का जो खून बह रहा है ये बंद होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। ये जुल्म और सितम, ये तशद्दुद, ये जुल्म, ये बंद होना चाहिए। जालिमों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अमन के दुश्मनों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। कश्मीरियों के दुश्मनों ने ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। नाकाबले बर्दाश्त ये वाकया, दिलदोस वाकया, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। 370 के मुतालिक जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सुनवाई की है, अब जो अदालत का फैसला है वो सबके लिए मान्य होता है। हमारा जो मुल्क है वो जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं उन पर हमें भरोसा है, हमें यकीन है, और अदालत का जो भी फैसला है वो सबको उसको मानना है। फैसले के पक्ष वाले लोग हों या फैसले के विपक्ष वाले लोग हों, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने कोई फैसला अगर सुनाया तो उस फैसले को हम सब ने मानना है, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून का राज है और अदालतें सबसे बड़ी हैं। अदालत के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अदालत के फैसले पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत के फैसले पर किसी को भी किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हम एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबको अपनी न्यायपालिका, अपनी जुडिशरी के अंदर पूरा यकीन है। ऑनरेबल
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी खंडपीठ ने लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग ऑनलाइन चली है। पूरी दुनिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट थे उनको सुना, उनको देखा। जजेस ने बहुत ट्रांसपेरेंसी से इस मामले को जो है सुना और हमें पूरा यकीन है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला हमेशा के लिए ना तो ये कोई पॉलिटिकल इशू रहेगा, जो भी अदालत का फैसला है वो हम सब की सर आंखों पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सब के सर माथे पर, हम अपने सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले का पूरी दिल से, पूरी ईमानदारी से उस फैसले को मानते हैं और हमेशा मानेंगे। हमारा मुल्क एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाला मुल्क है और हमारे देश की न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी सबसे महान। कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की सुनवाई ऑनलाइन की है, पक्ष और विपक्ष सबकी बात सुनी की गई।